अवनीश ट्यूटर ब्रांड चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, हम लोग जो है बाल विकास पढ़ रहे हैं इसमें, और आज टॉपिक नंबर 5 है। टॉपिक 4 में आप स्मृति के बारे में पढ़ चुके हैं, आज हम लोग आगे की टॉपिक देखते हैं। हाँ, ये चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें भाई। ठीक, देखिए, ये सी टेट हो, चाहे आपका यूपी टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, सभी को दृष्टि में रखकर ये वीडियो दिया जा रहा है। ठीक है, अभी शुरुआती दौर का ऐसा लगता है कि ये सब क्या है, तो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें जो शिक्षाविद हैं उनके कथन को आप माइंड में रखेंगे। ठीक, चलिए देखते हैं, विस्मृत है क्या? भूतकाल की किसी अनुभव को वर्तमान चेतना में लाने की असमर्थता को विस्मृति कहते हैं। इसमें देखिए टाइप गलत हो गया है। ठीक है, ये तो विस्मृति होगा। ठीक है, ये विस्मृति कि भूतकाल की किसी अनुभव को वर्तमान चेतना में लाने की असफलता को विस्मृति कहते हैं। ठीक है, यहाँ भी थोड़ा गलत टाइप हो गया है। विस्मृति दो प्रकार की होती है, पहला जो है सक्रिय विस्मृति और दूसरी निष्क्रिय विस्मृति। ठीक है, अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि जब व्यक्ति किसी बात को भूलने का प्रयत्न करके उसे भुला देता है तो उसे सक्रिय विस्मृति कहते हैं। ठीक है, जब व्यक्ति किसी बात को भूलने का प्रयत्न करके उसे भुला देता है तो उसे सक्रिय विस्मृति कहते हैं। अगला पॉइंट, सीखी हुई वस्तु को धारण और पुनः स्मरण करने में असफल होना निष्क्रिय विस्मृति कहलाती है। अब विस्मृति के कारण हम लोग जानते हैं, विस्मृति एक तो मानसिक द्वंद्व और दूसरा अनाभ्यास का सिद्धांत और तीसरा मानसिक आघात और चौथा दमन सिद्धांत। ठीक है, तो विस्मृति के चार कारण हैं, मानसिक द्वंद्व, अनाभ्यास का सिद्धांत, मानसिक आघात और दमन सिद्धांत। ठीक है, एक दूसरी भी डिफिनेशन है कि जब व्यक्ति प्रयास न करने पर भी किसी बात को स्वयं भूल जाता है तो उसे निष्क्रिय विस्मृति कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, तो ये विस्मृति से रिलेटेड था। टॉपिक नंबर 6 कल्पना ली गई, कल्पना थी कि कल्पना क्या है। मैकडूगल के अनुसार जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन करना ही कल्पना है। परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन करना ही कल्पना है। ठीक है, अगला है डूमविल के अनुसार कल्पना। तो मनोविज्ञान में कल्पना शब्द का प्रयोग सब प्रकार की प्रतिमाओं के निर्माण को व्यक्त करने के लिए किया जा सकता है। ये भी बहुत पूछा गया है, मनोविज्ञान में कल्पना शब्द का प्रयोग सब प्रकार की प्रतिमाओं के निर्माण को व्यक्त करने के लिए किया जा सकता है। ठीक, आपको बता दें कि देखिए, आप केवल सीटेट ही नहीं, आप सुपर टेट भी माइंड में रखिएगा, क्योंकि उसमें भी बहुत डीप रहता है। तो जितने शिक्षाविद हैं उनके कथनों को आप ध्यान देंगे। ठीक है, मैकडूगल के अनुसार क्या था कि परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन करना ही कल्पना है।
और डोमविल के अनुसार क्या था कि मनोविज्ञान में कल्पना शब्द का प्रयोग सब प्रकार की प्रतिमाओं के निर्माण को व्यक्त करने के लिए किया जा सकता है। और एक और है मैकडूगल के अनुसार, दूरस्थ या परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन करना ही कल्पना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैकडूगल वालों कई बार पूछा भी गया। ठीक है, कल्पना के प्रकार, कल्पना दो प्रकार की होती है, एक पुनरुत्पादक कल्पना और दूसरी उत्पादक कल्पना। अगला पॉइंट देखते हैं, बालक की शिक्षा में कल्पना का महत्वपूर्ण स्थान है और कल्पना के विकास के लिए इसलिए हमें निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। पहला, ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करना। अगर कल्पना का विकास करना है तो हम बालकों में जो है बालकों की ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करना चाहिए। दूसरा जो है भाषा विकास पर ध्यान देना। तीसरा, काल्पनिक खेलों क्रियाओं के लिए अवसेदन। चौथा, कहानी सुनाना। और पांचवा, रचनात्मक प्रवृत्ति का विकास करना। ठीक है, तो ये छठी टॉपिक कल्पना थी। सातवीं टॉपिक आ गई रुचि तथा ध्यान। रुचि तथा ध्यान, तो ध्यान पहला पॉइंट ध्यान दीजिए, ध्यान को केंद्रित करने के लिए रुचि आवश्यक होती है। ध्यान को केंद्रित करने के लिए रुचि आवश्यक होती है। व्यक्ति उन्हीं वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करता है जिनमें उसकी रुचि होती है, और जिन वस्तुओं के प्रति व्यक्ति की रुचि नहीं होती है उनकी ओर वह ध्यान नहीं देता। ठीक, ये रुचि तथा ध्यान की बात है। अगला पॉइंट ध्यान है क्या? ध्यान मन की वह क्रिया है जिसमें मनुष्य अपने मन को अधिक पदार्थों से हटाकर एक ही पदार्थ पर केंद्रित करता है। ठीक है ना, ध्यान मन की वह क्रिया है जिसमें मनुष्य अपने मन को अधिक पदार्थों से हटाकर एक ही पदार्थ पर केंद्रित करता है। ध्यान दो प्रकार के होते हैं, एक ऐच्छिक और दूसरा अनैच्छिक। इसी प्रकार रुचि दो प्रकार की होती, एक जन्मजात रुचि होती, दूसरा अर्जित रुचि होती है। ये आपको ध्यान देना है। ठीक, कल आप भी शिक्षक हो बन जाएंगे तो इन बातों को आपको ध्यान देकर बच्चों को शिक्षित करना चाहिए कि उसकी जन्मजात रुचि क्या है और अर्जित रुचि क्या है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ से टॉपिक चेंज हो रही है और अब धीरे धीरे यहाँ से इम्पोर्टेंट प्रश्नों की सीरीज जान लीजिए चालू हो जाएगी। बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, तो वुडवर्थ का कथन है कि वंशानुक्रम में वे सभी बातें समाहित रहती हैं जो जीवन का प्रारंभ करते समय, जन्म के समय नहीं वरन जन्म से लगभग 9 माह पूर्व गर्भाधान के समय व्यक्ति में उपस्थित थी। ठीक है ना, ये वुडवर्थ का कथन है, इसको माइंड करिएगा कि वंशानुक्रम में वे सभी बातें समाहित रहती हैं जो जीवन का प्रारंभ करते समय, जन्म के समय नहीं वरन जन्म से लगभग 9 माह पूर्व गर्भाधान के समय व्यक्ति में उपस्थित थी। ये वुडवर्थ का कथन। वंशानुक्रम के नियम, अब वंशानुक्रम के जो है नियम पर ध्यान दिया जाए। पहला है समानता का नियम, दूसरा भिन्नता का नियम, तीसरा प्रत्यय का नियम, प्रत्यय
गमन का नियम या प्रतिगमन का। चौथा चयनित गुणों का नियम, और पांचवा है मातृ एवं पितृपक्ष का नियम, छठा है संयोग का नियम, सातवां है बीज कोष की निरंतरता का नियम, और आठवां है मेंडल का नियम। मेंडल का नियम बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक शिक्षा शास्त्री हैं, शिक्षाविद जेम्स ड्रेवर, इनके अनुसार माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण होना वंशानुक्रम है। ठीक है, माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण होना वंशानुक्रम है। अगला है बीएन झा के अनुसार वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है ये बीएन झा वाला। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। अगला है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है किंतु वह बाद में सब ओर से जंजीरों में बांध दिया जाता है। ये रूसो का कथन है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक, तो आज की टॉपिक में हम लोग जो नया स्टार्ट किए हैं वो बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, तो इसी में अब आप सारी चीज़ें पढ़ेंगे, बुद्धिलब्ध वगैरह बहुत कुछ आएगा इसमें। तो ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ ये सब्सक्राइब न किए हो चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। आज के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे, और ये सीरीज आपकी चलती रहेगी। ये आपकी केवल सीटेट एग्ज़ाम की ही नहीं, सीटेट हुआ चाहे टेट हुआ, ये आपके सुपरटेट तक के लिए मददगार साबित हो। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।